आज कुढ़नी प्रखंड के तुर्की ब्लॉक पर भ्रष्टाचार के विरोध में युद्ध ब्रिगेड बिहार संयोजक नलाभ कुमार के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कुढ़नी के सैकड़ों नौजवान शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए नलाभ कुमार ने कहा, यह भ्रष्टाचार के विरोध में प्रथम चरण का आंदोलन है। अगर कुढ़नी प्रखंड व्याप्त भारी भ्रष्टाचार, अनाज घोटाला, पीडीएस विक्रेताओं द्वारा भारी धांधली हो रहा है एवं राजस्व कर्मचारियों द्वारा गरीब जनता से अवैध वसूली किया जाता है, अगर इस पर लगाम नहीं लगा तो भीषण जन आंदोलन को हम सभी बाध्य होंगे एवं मीडिया के सामने कुढ़नी विधायक अनिल सहनी जी को ज्ञापन सौंप कर मांग किया गया कि कुढ़नी प्रखंड को तत्काल बाढ़ प्रभावित घोषित किया जाए। इन सभी जनहित के मुद्दों को आज प्रमुखता से उठाया गया। अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन न्यूज बिहार। एक दिन में आजादी मंगल पांडे जी को भी नहीं मिल रही। 1857 से लड़ाई चला था और 1947 में जीत हुआ है ना। तो आप कुरंडी को आजाद कराना, कुरंडी को आजाद कराना, कुरंडी को आजाद कराने के लिए तुम तैयार है? बोलिए नला रहा है वहाँ। देखिए ना, आप मिलाइए ना, अन्य अन्य अलग अलग विभागों में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार के विरोध में आज हम सभी युवा नौजवान यहाँ पे एकत्रित हुए हैं अपनी मांगों को। जो यहाँ अलग अलग विभाग में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, मुख्य रूप से यहाँ पे भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा जो संलिप्तता है वो यहाँ पे खाद्य आपूर्ति विभाग पीडीएस डीलरों के द्वारा, जो पूरा का पूरा यहाँ पे रैकेट चल रहा है, जो आम गरीब जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जिसका हमने ज्ञापन पहले सूचना डीलर एसोसिएशन को भी दिया था, हमने माननीय विधायक जी को भी दिया था, ज्ञापन के माध्यम से हमने सबको सूचित किया था, लेकिन फिर भी इस पर जो है यहाँ पे जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण आज हम धरना पर बैठने को मजबूर हैं। अगर आज यहाँ धरना पर बैठे हैं, इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती फिर आपका अगला? देखिए, आज हम जो है पब्लिक पिटीशन हम लोग लिखने का हम लोगों ने काम किया धरना के माध्यम से, और यह मुख्यमंत्री जी तक लेकर जाएंगे। जब तक यह धांधली, जो करोड़ों रुपए की अवैध वसूली और धांधली चल रही है यहाँ पे खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा और डीलरों के द्वारा, इस चीज को हम अंतिम सांस तक इसको बंद करवाएंगे। नलाभ कुमार पूर्व प्रत्याशी कुढ़नी विधानसभा नहीं बुढ़ियारी पुपरी सब डूबा हुआ है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के विधायक महोदय से, आप यहाँ पे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आखिर आपकी आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही है? कुछ ग्रामीणों का कहना है कि वो सिर्फ अपना वो मोमबत्ती जला करके दीप प्रज्वलित करते हैं, सड़कों का शिलान्यास सिर्फ कागजों पर करते हैं, लेकिन देखने को एक बार भी नहीं आते। जनता कह रही है
जनता, इसका जवाब जनता देगी, इसका बेहतर जवाब जनता देगी कि वो कहाँ है नहीं है, वही जवाब दे सकते हैं। इस पर हम क्या, हम भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, आपने एक दायित्व देखा, आपके दृश्य के हिसाब से क्या बता रहे हैं? फोन करने फोन भी नहीं उठाते हैं विधायक, फोन जो देखिए जनता, अब ये जनता खुद कह रही है। जान ये अपना क्या समस्या है आपको? हम लोगों का बाढ़ पूरा बाढ़ से प्रभावित है, हम लोग विधायक जी को फोन भी करते हैं तो वो लोग फोन नहीं उठाते हैं, बताते हैं कि बिजी है, दूसरा कोई प्रोग्राम तो अभी नहीं है, कोई हम लोग को अति नहीं है, हम लोग कभी कुछ प्रोग्राम में भी उनको बुलाते हैं तो दूसरे को फोन धरा देते हैं, फोन दूसरे आदमी बात करते हैं, हम लोग आज तक पंचायत में आए ही नहीं। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों का मांग है यही कि बाढ़ प्रभावित किया जाए, जो बाढ़ जो डूब गए हुए हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए, जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं आपको भी चाहिए। जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। कहाँ रहने वाले? कटनी सरिया पंचायत। कौन सा प्रखंड हुआ? रनी प्रखंड।